गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? तो भाई सुबह के बज रहे 5:30 और भाई मैं लेट हो चुका हूँ आधा घंटा आज। अब क्या करें भाई, आँख ही नहीं खुली, रात को लेट सोया था। वही यार, अब सोते सोते अब हिस्ट्री देखता हूँ तो नींद वही है कि आ गई तो ठीक, नहीं तो हो गया टाटा भाई भाई। 6 बज रहे हैं, अब दूध ले आया हूँ, आधा घंटा वेट करना पड़ा, भीड़ बहुत हो रही थी यार, इसलिए तो लेट नहीं जाते। अब घर जा रहा हूँ, घर जाके अब देखते हैं टू डू लिस्ट का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई जिम जाओ, पूरा दिन ना ऐसे हो जाता है यार, अगर आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर हो भी जाया गया तो। ऐसे तो मैनेज कर रखा है मैंने, मेरे से मैनेज होता भी नहीं है भाई, करना पड़ता है बस। फिर 6:10 पे घर पहुँच लिया, स्प्राउट्स वगैरह खाया खाए हैं, फिर बस इधर उधर थोड़ा फ्रेश वगैरह होके अब 6:30 बज गए, अब चलो जिम के लिए बैग लगाते हैं। तो आज हमारी लेग्स है शायद, नहीं लेग्स है नहीं, जो भी है देखेंगे क्या है। फिर अपने बेल्ट रखी, अपना टॉवल रखी, और ये कहते हैं सिपर रखा, और ये कहते हैं फिर अपने ये कहते हैं ये स्ट्रैप्स रखे। अच्छा हाँ, आज तो हमारी आर्म्स है, तो ये हमारा पंटर, ये हमारा जिम ब्रो। तो चलते हैं भाई, तो 6:40 से रास्ते हैं भाई, ये मुझे मिलते हैं रोज, इनको हाथ फिरा के जाता हूँ। क्यूट है, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं भाई क्यूट, हर रोज मिलते हैं, हर रोज जिम जाते वक्त। ये पता नहीं कहाँ से आ गए, समझ नहीं आए। अरे एमसीडी वाले होते हैं ना, ये कहीं से उठा के ऑपरेशन करके कहीं और छोड़ जाते हैं। फिर 8:15 हो गए, वर्कआउट हमारा हो गया, तो अब घर जा रहा हूँ। फिर अब घर जा के वो ये मिल गया मेरे को, ये भाई बहुत बुढ़ी हो चुकी है, बहुत पुरानी है, मतलब हमारे एरिया की सबसे पुरानी डॉग है ये। तो इसको रोज कभी बिस्किट कभी ब्रेड कुछ ना कुछ खिला देता हूँ भाई। आप भी क्या खिलाओ यार, भगवान की दुआ के साथ इनकी भी दुआ चाहिए होती है। फिर नहा धो के पानी चढ़ा देते हैं, सूर्य देव आज लग रहा है गुस्से में भाई, बिल्कुल चिलचिलाती धूप है बिल्कुल। तो बस अपना पानी डाला तुलसी माता को, और भाई आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सारे फ्रूट्स वगैरह सब खत्म कर दिए। तो आज पास्ता, और इसको देखो भाई ये सब कुछ खाती सब कुछ, तो भाई बैठ जाएगी बस, हमको भी चाहिए। 10 बज गए, 10 बजे अपना निकल के लाइब्रेरी के लिए। भाई तुम भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो भाई, पढ़ाई लाइब्रेरी में ही होती है बस। फिर लाइब्रेरी पढ़ पहुँच गया हूँ, अपने शू रैक्स में अपनी स्लीपर रख के लाइब्रेरी में घुस गया। भाई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो यार, ऐसे नहीं होने वाली पढ़ाई, पढ़ाई करनी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। फिर भाई 10:10 हो गए, वाटर बॉटल वगैरह सब कुछ रख के अपना स्टार्ट, टू डू लिस्ट भी बना लिया। तो सबसे पहले अपना करेंगे हम कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के बाद फिर बज गए हैं 8:35। अब अपने स्क्वायर्स और वगैरह यू क्या कहते हैं वो करेंगे, तो 1 से 60 तक आज याद करने का सोचा है स्क्वायर, और 1 से 40 क्यूब याद करने हैं आज, और पिछले जो भी हैं मेरे को रिवाइज करने हैं। और भाई ये चीज़ 3-4 चीज़ें जो मैंने कंपलसरी कर रखी हैं। तो भाई मैंने 1 से 104 तक मैंने वो कर रखे थे, वो कैब उसको रिवाइज करना है, तो वही कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ उनको। फिर निकल के बुक से करता हूँ मैं रिवाइज, और लर्न भी मैं उसी से करता हूँ। फिर इसके बाद अपना मैथ्स का हो गया, मैथ्स स्टार्ट करनी है, SICI तो कंप्लीट हो जाएगी आज, तो एक ही लेक्चर बचा है, क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चंस भी कटेंगे कंप्लीट कर दूंगा। फिर बच गए भाई 1:45, क्या पौन कहते हैं, पौन जो भी कहते हैं, 1:45 मतलब 11:45। अब घर जा रहा हूँ, भूख लग चुकी है, आज बनाया भाई साग, ठंड आ गया, फील आ रहा है बिल्कुल। तो मक्के की रोटी तो बन नहीं सकती, हुई आटा ही नहीं है। फिर खा हो गए घर, जिम वापस, जिम कह रहा हूँ यार, जिम थोड़ी है लाइब्रेरी है ये, तो लाइब्रेरी आ गया। लाइब्रेरी आने के बाद अपनी भाई शू रैक में स्लीपर रखी, जिम अपने उसमें घुस गए लाइब्रेरी में, अपनी सीट पर बैठे। अब 2 बजे, तो 2 बजे अब अपना दोबारा मैथ स्टार्ट कंप्लीट कर दूँगा, क्वेश्चन ही करने वैसे, अब तो लेक्चर तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, अब बस क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं, पूरी पिनेकल लगा दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ आज ही। फिर अब करता हूँ प्रोनाउन, प्रोनाउन कर रहा हूँ, तमन बस सर के नोट्स तो मैंने बना रखे हैं, और नीतू मैम के लेक्चर लूँगा बस, अब मतलब रिवाइज करना है, लेक्चर भी देखने नहीं है, नोट्स नहीं बनाने, बस रिवाइज रिवाइज करने। फिर अब थोड़ा सो लेते हैं भाई, पढ़ते पढ़ते हो गए 5:45, थोड़ा रेस्ट करते हैं भाई। मैं तो लाइब्रेरी में सो रहा हूँ, घर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, 1 घंटे 2-3 घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता यार। तो यहीं पर
सो जाता हूँ मैं कम से कम 10-15 मिनट, जितने भी मिनट नींद आई आँख खुल गई तो ठीक, नहीं तो भाई मेरे तो लाइब्रेरी में बहुत बंदा है जो वहीं पर सो जाता है, घर कोई नहीं जाता, कौन घर जाएगा यार सोएगा फालतू में। फिर सो के फिर थोड़ा ऊपर आ गया हूँ मैं अपना स्प्राउट्स वगैरह खा के, खाने के लिए ऊपर छत पे, तो भाई छत का ये नज़ारा है हमारी लाइब्रेरी के। और यहीं भाई अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, अपने से बात करो थोड़ा भाई, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, मोटिवेट करो अपने आप को। और भाई मोटिवेशन नहीं आता ना तो मतलब ऐसी चीज़ें करो जो तुमसे दूर चली गई हैं, उन्हें पाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। जैसे मेरी लाइफ में तो भाई बहुत चीज़ें दूर गई हैं बहुत, मैं मतलब अपनी किसी को नहीं बता सकता, फैमिली को पता है काफ़ी है, उसके अलावा किसी को नहीं बता सकता। और भाई अपनी पर्सनल लाइफ ना अपने घर वालों से के अलावा किसी से शेयर मत करो, कोई मिसयूज़ भी कर लेता है और कोई कुछ भी कर सकता है यार, मत बताओ किसी को। फिर 6:45 पे नीचे आ गया हूँ और अपना क्या कहते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर लेने का फ़ायदा नहीं यार इसका भी, कोई लेक्चर नहीं होते इन इन सब्जेक्ट्स के। फिर ये हो गया मेरा, फिर 7:10 हो रहे हैं तो अपना जीएस कंप्लीट करता हूँ। तो जीएस में मैं कर रहा है रिवर सिस्टम कर रहा था, तो गंगा के बारे में आज पढ़ा है मैंने, तो 8:20 आ थोड़ा घर जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि भूख लग रही है अभी से ही, और फिर रात भी हो चुकी है। तो बस अब घर की ओर निकल गया हूँ, रात हो ली भाई, ठंड भी लग रही थी, तो सैंडो में आ गया था मैं। 8:25 पे घर पहुँचा भाई, ये वेट करती है हर रोज सिद्धत से बिल्कुल, तो देखो गेट खुलते ही, हाँ भाई चलो इसके बाद खेलो अब थोड़ी देर। फिर भाई घर में तो पता नहीं क्या बना था, मैंने तो दोबारा साग ही मांग लिया, भाई मेरे को साग ही दे दो। तो अपना साग खा के फिर अपना इंग्लिश रिवाइज कर लिया अपना, 9:20 हो रहे हैं, जो भी था पढ़ा था सुबह दोबारा एक बार और रिवीजन कर लिया, क्योंकि भाई अब याद करना तो रिवाइज रिवाइज करने पड़ेगा 10 बार। फिर अब देखो 8:35 हो रहे हैं, लेटने जा रहा था तो ये आ गई, अब इसको ऐसे बैठ के अब ये थोड़ी देर सहलो आती है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड कर, पूरे दिन कहाँ रहता है तू। तो फिर अपना 10:50 पे लेट लिया अपना, अब यही होता है यार, अब लेट लेटता हूँ मैं, और फिर हिस्ट्री देखनी होती है तो मेडिवल हिस्ट्री कर रहा हूँ मैं आज, मेरी एंशियंट तो ख़त्म हो चुकी है तो मेडिवल हिस्ट्री चल रही है, और मैं रात को इसी टाइम पे वीडियोस देखता हूँ। आप भी भाई रील और शॉर्ट्स की जगह ना अपने ये लेक्चर देख लिया करो। तो गुड नाइट, बाय बाय।